अब चलते हैं आगे अपने सफारी एक्सपीरियंस के लिए। तो जैसा आपको दिखाई दे रहा है, हम जा रहे हैं एक जिप्सी में जिसकी सिटिंग कैपेसिटी फॉर पैसेंजर्स इज 6 लोग। आगे आपको एक ड्राइवर मिलेगा एंड साथ में एक भैया रहेंगे जो आपको गाइड करते रहेंगे। अब इसके चार्जेस कितने हैं या कैसे क्या है वो भी आगे चल के बताता हूँ आपको। यहाँ पे जैसे ही हमने एंट्री किया, स्टार्टिंग में तो एक गाड़ी और थी, उसके बाद धीरे धीरे और गाड़ियाँ आने लग गई। जिप्सी थी प्लस कैंटर्स भी आ गए। कैंटर्स का प्राइस एंड जिप्सी का प्राइस डेफिनेटली आगे बताऊंगा। बट यहाँ पे जैसे आपने सारा कुछ बुकिंग कर रखा है, उनके पास वाउचर्स होते हैं आपके रिस्पेक्टिव टीम मेम्बर्स के पास, जो ड्राइवर भैया हैं या दूसरे जो हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पर एंट्री कराते हैं। सब एंट्रेंस के बाद मेन चीज जो सबसे फनी चीज है इस वाले जगह मेरे को दिखी, वो ये है कि हम जा रहे हैं जिप्सी में, बाकी आपको इतने सारे यहाँ पे लोग दिखेंगे जो पैदल चल रहे हैं। मतलब इमेजिन करो कि यहाँ जंगल है, जानवर मिलेंगे, लेपर्ड है, टाइगर है, मतलब ये एक तरीके से डेंजरस होते हैं फॉर ह्यूमंस के लिए, बट वो इंसान अपना मजे में पैदल चले जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल ही मेरा भैया से था, मैंने कहा ये क्या एंट्रेंस हो गई हमारी? हाँ भैया, वहीं तो हो गई थी हमारी एंट्रेंस जहाँ पे हमने चेकिंग कराई थी, डॉक्यूमेंट्स दिए थे। मैं कहा फिर ये लोग पैदल कैसे चल रहे हैं? वो जी एक्चुअली आगे यहाँ पे ना मंदिर है तो वहाँ तक वो जा रहे हैं पैदल। तो वहीं मेरा ना सारा दिमाग घूम गया, मैं कहा ये तो फिर बेवकूफ बनाने वाली बात हो गई, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। अ पॉपुलर वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया, रणथंभौर नेशनल पार्क। इस पार्क के बारे में, इस जगह के बारे में तो ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं, बट मेन चीज है यहाँ जाने का बेस्ट टाइम क्या है, बेस्ट मंथ्स कौन से हैं जिस समय हम यहाँ जा सकते हैं प्रॉपरली इसको अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यहाँ जाने के लिए बेस्ट मंथ्स हैं अक्टूबर से जून, बट अक्टूबर से जून में भी अगर आप कंसिडर करते हैं तो अक्टूबर से मार्च सबसे बेस्ट टाइम है, अप्रैल मई और जून इस समय, क्योंकि राजस्थान में ही जैसे बहुत ज़्यादा हीट होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा रहेगी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज में रहेगा, तो अप्रैल को तो फिर भी कंसिडर कर सकते हैं, अदरवाइज मई जून तो 40-45 डिग्रीज तो ईजिली टेम्परेचर जाता है। उसके बाद आता है मॉनसून सीजन। ये मंथ्स में अगर आप जाना चाहते हो तो यहाँ पे क्या है कि जो मेन जोन्स होते हैं रणथंभौर नेशनल पार्क के, वो हैं टोटल डिवाइडेड हैं 10 जोन्स में। इस दौरान आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगे बफर जोन। अगर आपने इससे पहले कहीं सफारी करी है तो आप डेफिनेटली करंट सफारी को भी उस पास सफारी से रिलेट करेंगे, यार उसमें ऐसा था, इसमें ऐसा है, उसमें ये पॉजिटिव था, इसमें ये नेगेटिव है, इसमें ये पॉजिटिव है, तो उसमें वो नेगेटिव था। ऑब्वियसली हम हमेशा रिलेट तो करते ही हैं कि पास्ट एक्सपीरियंस हमारा कैसा है, उसके अकॉर्डिंग एक इमेजिन करते हैं कि करंट एक्सपीरियंस कैसा होगा, एंड में पता चलता है कि करंट एक्सपीरियंस कैसा रहा। दो आवर्स होते हैं आपको अगर सफारी लेनी है, आप मॉर्निंग आवर्स में भी ले सकते हैं, इवनिंग आवर्स में भी ले सकते हैं। मॉर्निंग आवर्स होते हैं 6 से 9, इवनिंग आवर्स होते हैं 3:30 से 7। अब मैंने जैसे लास्ट टाइम भी प्रेफर किया था इवनिंग आवर्स के लिए, तो इस बार भी मैंने वही प्रेफर किया, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ईजिली मैं सुबह मॉर्निंग ड्राइव करके जा सकता हूँ, टाइमली होटल रीच करके देन सफारी अपनी प्रॉपरली टाइमली करके वापस आ सकता हूँ। कई लोगों का ये भी फीडबैक था कि जो मॉर्निंग आवर्स होते हैं, क्योंकि वो सुबह 6 से 9 का है, तो मेरे जैसे लेजी पर्सन के लिए जो इतनी जल्दी उठेंगे नहीं, सुबह मॉर्निंग में उठेंगे नहीं, उनके लिए थोड़ा सा अजीब हो जाता है, बट जो पैशनेट हैं जंगल सफारी के लिए, टाइगर सफारी के लिए, उनके लिए तो सब कुछ चलता है।
अब ये माहौल देखो, कोई ऐसी जगह मेरे को और बता दो। चलो मैंने तो दो ही सफारी करी है कि जहाँ पे आप इस तरीके से सफारी के दौरान जंगल के बीचों बीच उतर के मस्त एंजॉय कर सकते हो। आपको फोटोज खिंचवानी है खिंचवाओ, इधर उधर ट्रैवल करना है, थक गए गाड़ी में बैठे बैठे, उतरो चलो पैदल फिरो जो मर्जी करो। अब इतना अलग सा एक्सपीरियंस है यहाँ पे कि क्या कहना। हमारी जिप्सी खड़ी थी, उसके बाद एक दो जिप्सियाँ और आ गई, फिर कैंटर, फिर जिप्सी, फिर जिप्सी, फिर कैंटर, इस तरीके से पूरा एक वो क्राउडेड हो गया। और जबकि एक वाटर बॉडी है हमारे सामने, मतलब हम इमेजिन कर सकते हैं कि चलो वो तो लोकल भैया थे वहाँ पे, उनसे मैंने पूछा मजाक मजाक में ही सही है वैसे उसमें, अब उनको पता नहीं उन्होंने सच बोला या झूठ बोला। मैंने कहा आपको दिखा नहीं दिखा? हाँ सर कल ही तो दिखा था, यहाँ पे ये सामने पानी पीने आया था। मैंने कहा फिर इतने सारे लोग यहाँ पे उतर रहे हैं, कोई खतरा नहीं कुछ नहीं? कह रहे नहीं नहीं कुछ नहीं, कहता हमें तो बहुत से आपकी तो दोस्ती हो गई। मतलब बहुत अजीब सा लगता है। अब यहाँ इनके लिए नॉर्मल जो चीज़ है, मेरे लिए तो बहुत ऑकवर्ड थी कि इस तरीके से जहाँ पे एक जगह मैं गया हूँ वहाँ पे नीचे नहीं उतर सकते, स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा है। एंड यहाँ पे आप वही कहते हैं ड्राइवर भैया या वो, उतरो सर फोटोज वोटोज खिंचवा लो, देख लो यहाँ पे वॉशरूम है, वॉशरूम हो जाओ अपना मस्त। मतलब बहुत कैजुअल सा एक एक्सपीरियंस लगा मेरे को कि यहाँ पे एक जंगल में नहीं, हम वैसे ही नॉर्मल एक ग्रीनलैंड में, ग्रासलैंड में घूम रहे हैं, जहाँ पे सिर्फ एक 4x4 एक्सपीरियंस के लिए आए हैं या गाड़ी का जिप्सी एक्सपीरियंस के लिए आए हैं कि जिप्सी इन रास्तों में कैसे चलती है। दैट इज इट। वाइल्ड लाइफ के नाम पे आपको डियर दिख जाएंगे, एक दो चीज़ें और दिख जाएंगी, बस दैट इज इट। इसके अलावा चिड़िया देखनी है, बर्ड्स वॉचिंग करनी है, यू कैन डू दैट। मछलियाँ देखनी है पानी में, यू कैन डू दैट। बाकी इंसानों को देखना है, आपके बगल में बैठते हुए आपको ताड़ते हुए आपको देखते हुए, यू कैन डू दैट। वो तो इस तरीके से ऐसे देखते हैं, आ गए हमें देख लो, जानवर तो यहाँ दिखेंगे ही नहीं। मतलब ऐसे पता होता है ना आपको कि जैसे अगली बार कोई जाएगा मेरे से पूछेगा कि भैया यहाँ पे जा रहा हूँ मैं, इधर क्या कहते हैं इस दौरान इस मंथ में जाऊँ? हाँ मैं भी ये कहूँगा जाओ जाओ मस्त जाओ भैया, मेरे पैसे लगे तो तुम्हारे भी लगने चाहिए। जोक्स अपार्ट, मेन चीज है कि यहाँ पे वापस से मैं डेफिनेटली आऊँगा ड्यूरिंग द मानसून सीज़न, क्योंकि जिस हिसाब से बताया हुआ, सॉरी मानसून सीज़न नहीं, वो जो मेन सीज़न है जिस दौरान जोन 1-5 ओपन रहते हैं, क्योंकि टेम्परेचर जैसे लोकल्स ने भी बताया और ऑनलाइन भी मैंने देखा 10 डिग्री के आसपास भी वहाँ पे रहता है, तो ठंड तो हो ही जाएगी विंटर सीज़न में। सो लेट्स सी, वापस से प्लान करेंगे एक बार यहाँ आने का। अब जैसे इन्हें देखिए, देखने में कितने क्यूट से है ना, प्यारे से, बहुत प्यारे से दिखते हैं। जूम करेंगे कैमरा को तब जाके इन्हें क्लियरली देख पाते हैं। बट इनकी भी एक चीज खासियत है, जो मेरे बगल में सर बैठे थे उन्होंने उनसे पूछा ड्राइवर भैया से या उनके साथ में जो बैठे थे भैया से, कि इनकी पूंछ ना बड़ी अजीब सी दिख रही है। तो उनका तुरंत से रिस्पॉन्स आया कि सर इनकी पूंछ भी झड़ जाती है, जो कि पहली बार हमने सुना। ये कैसे होता है? मतलब वो पूछ के झड़ना क्या होता है उसका लॉजिक समझ नहीं आया, बट उन्होंने कहा तो चुपचाप मान लिया। शायद उनका कहने का मतलब कुछ और हो, बट जो हमने समझा उसके हिसाब से तो थोड़ा डाइजेस्ट। आज है 6th August एंड रास्ता यहाँ पे थोड़ा सा जैसे कीचड़ से भरा हुआ, टूटा फूटा, जिप्सी का बीच में थोड़ा सा लोड लेना, तो ये इमेजिन कर सकते हैं कि बारिश हुई होगी। मैंने भैया से ही पूछा तो उन्होंने बोला कि हाँ एक आध दिन पहले थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई थी। अब इस बफर जोन में भी, बफर जोन यानी जोन 6-10, इस बफर जोन में भी जब हमारा रास्ता ऐसा है कि जिप्सी इतना डामाडोल हो रही है, इतना हिल रही है,
तो जो कोर जोन होते हैं जोन 1 to 5 विच आर क्लोज ड्यूरिंग द मानसून सीजन, वहाँ पे तो डेफिनेटली इमेजिन हम कर सकते हैं. द ओनली रीजन बिहाइंड दैट इज मानसून में बारिश होगी, बारिश में पानी आएगा, नदियाँ बहेंगी वहाँ पे जो होगा, एंड फिर जिप्सी उसे क्रॉस नहीं कर सकती. दैट इज वाई इट्स क्लोज ड्यूरिंग द मानसून सीजन. जहाँ से मैंने बुकिंग करी थी ये जीप सफारी की, उसमें आपको दो चीज़ें मिलती हैं. आइदर आप पूरा पैकेज उनके थ्रू बुक कर सकते हैं जहाँ पे आपका स्टे भी होगा, आपको डिनर भी मिलेगा, ब्रेकफास्ट भी मिलेगा उसमें इंक्लूसिव. मेरे को जो प्राइस मिला था उसका दैट वाज 5840. उसके अलावा आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप होटल खुद से कर सकते हैं, एंड जो सफारी है उसको एक्सपीरियंस लेने के लिए दो पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पास, दो तरीके हैं. वन इज जिप्सी के थ्रू, सेकंड इज कैंटर के थ्रू. जिप्सी कॉस्ट करती है 1850 एंड कैंटर कॉस्ट करेगी 1450. दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि आप देखना क्या चाह रहे हो, आप करना क्या चाह रहे हो, कितना अंदर जंगल के जाना चाह रहे हो. ऑब्वियसली कैंटर बड़ा है तो वो उन गलियों में उन रास्तों में उस तरीके से उतना कैपेबल नहीं है वहाँ तक जाने के लिए. फॉर एग्जांपल जैसे जोन 6 में जो अभी बफर जोन के उसमें अगर हम देखें तो जोन 6 एक वैसा जोन है जो सबसे ज़्यादा लैंडस्केप्स की ब्यूटी आपको प्रोवाइड करेगा. नेचर को आपको अगर अच्छे से देखना है, ऑब्जर्व करना है, सो दिस जोन इज द बेस्ट वन इन द बफर जोन. ऑब्वियसली वहाँ नहीं गया मेन कोर जोन में तो उसका आइडिया नहीं, ये उन्होंने बताया, शायद हमें तसल्ली देने के लिए बताया हो कि भैया ठीक है यही मान लो या जो भी है एक्चुअल में हो. तो यहाँ पे आपको लैंडस्केप्स अच्छे मिलेंगे क्योंकि हम जिप्सी में थे तो जिप्सी हमें उस ऊंचाइयों तक ले गई, ऊंचाइयों तक हाँ मतलब वहाँ टॉप तक ले गई जहाँ से हमें अच्छा वहाँ का पूरा एक व्यू आ रहा था. ऑब्वियसली कैंटर वहाँ तक नहीं जाती, एंड प्लस ना क्या होता है कैंटर का शोर बहुत होता है. अगर आप जंगल में जा रहे हो फॉर एग्जांपल, जैसे कई जगहें ऐसी थी कि हम देख रहे हैं जानवर को पास से, एंड जैसे ही कैंटर आया वो घुड़घुड़ घुड़घुड़ उसका इंजन नॉइस इतना कि वो भाग जाते हैं, वो डर के भाग जाते हैं. सर जी ये है जोन नंबर 6 है ना भैया ये? हाँ जोन नंबर 6. टोटल कितने जोन्स हैं यहाँ पे? 10 जोन्स हैं सर. 10. एंड यहाँ की क्या खासियत? 20% खुद रह गए. 20% अभी 20% में 10 जोन बनी हुई है. अच्छा. एंड यहाँ सभी जोन में अलग अलग टाइगर रह जाए? सभी जोन में अलग अलग टाइगर है. सभी जोन में 2-3 टाइगर रह जाए, माँ का 7 बच्चे रह जाए तो 4-5 हो जाओ. तो आप अभी जैसे आपसे बात कर रहा था आपने बताया आपको 18 साल हो गए, तो आपने तो बहुत बार देखा होगा. बहुत बार देखा सर. अच्छा कितना मैक्सिमम कितना इतना देखा? इतना टाइगर लेपर्ड को मारता देख लिया, खाता देख लिया. अच्छा डर नहीं लगता? कैसे अब आदत हो रही है तन वो पहचानते हो तो आपस में एक दूसरे बचपन से आदत हो रही है. तो यहाँ से हमें पूरा वो एरिया दिखाई देगा इस तरीके से है ना, ये जोन 6 का सबसे ऊपर वाला इलाका है. उधर उस तरफ जैसे खेती भी हो रही है. 8 नंबर भी दिख रहा है, 7 नंबर भी दिख रहा है, 10 नंबर भी दिख रहा है. 8, 7, 10 किधर किधर? 2 नंबर का एरिया भी दिख रहा है. ये वाला सामने वाला? सामने का 7 नंबर से. 7 नंबर ये इधर का 8 नंबर से. अच्छा ये कैसे डिवाइड कैसे कर रखे हैं? इधर का वो 10 नंबर से. जैसे इधर आपने 7 बताया, उधर 8, उधर 10 बताया, अलग अलग पार्टीशन कैसे कर रखा है पता? अलग अलग गेट बने हुए हैं. गेट बने हुए हैं.
बैक टू पवेलियन। तो कई बार होता नहीं जैसे सोचते क्या है, होता क्या है, कुछ का कोई आइडिया ही नहीं है क्या क्या सोच के गए थे एंड क्या क्या निकला। जगह अच्छी है वैसे घूमने लायक है, मेरे पैसे लगे तो मैं तो यही कहूँगा, हर कोई आए, हर कोई अपना एक्सप्लोर करे। बट ऐसा है जैसे वो भी बता रहे थे कि डिफरेंट जोन्स जो अभी हैं, तो जैसे जोन 6, जोन 10 फॉर एग्जांपल, तो जोन 10 में मॉर्निंग में टाइगर दिखा, जोन 6 में हमें नहीं दिखा, हमारा नसीब। तो ओवरऑल अपना नसीब चेक करके आ जाओ, बाकी तो दिख ही जाएगी। भूख लग रही है, अब सुबह से कुछ नहीं खाया, उस समय भी आजाडस निकल गए थे, आते हैं फ्रेश होते हैं देन फिर कुछ ट्राई करते हैं। यहाँ पे एक जगह मैंने बाहर भी देखी थी कैसी है कैसी नहीं, नहाने के बाद देखता हूँ कि वहाँ जाऊँ कि यहाँ पे ट्राई करूँ। पता नहीं समय का खेल है या आजकल मैं ना सही में बहुत ज़्यादा मूडी होता जा रहा हूँ, मतलब भूख लग भी रही थी इसलिए स्पेशली बाहर निकला, उसके बाद खाना आया, देखते ना जैसे ना पेट सा भर गया। उसके बाद अजीब सा भी लगता है और कितना मतलब ये कि कोशिश कर करके खाए जा रहा हूँ, मैं कहा अब कोई लॉजिक नहीं है, ओवर ईटिंग करने का कोई फायदा नहीं है, नहीं जच रहा। भाई गॉड पता नहीं क्या होता जा रहा है, ये पहले वहां होटल में टाइम से मंगवाया नहीं, उसके बाद वो मिस हो गया, वहां एडिटिंग में लगा रहा, अब यहाँ जाके जो जगह मिली वहां पे समझ नहीं आया, पता नहीं क्या ही चाहिए, होटल नहीं जच रहा, ये नहीं जच रहा, वो नहीं जच रहा, चाहिए क्या यही नहीं पता। चलो एनीवेज अब मिलते हैं सुबह, आज के ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं, आशा करता हूँ ब्लॉग अच्छा लगा तो थोड़ा सा लाइक शेयर एंड अप्रिशिएट करिएगा, अदरवाइज क्या मतलब थोड़ा सा वो होता है ना, करोगे तो अच्छा लगेगा, नहीं है तो थोड़ा सा बेटर लगेगा।